नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, लोकसभा चुनाव के रण का आरंभ है प्रचंड। वैसे तो लोकसभा चुनाव का रण हर सीट पर जोरदार होगा, मगर तीन राज्यों पर विशेष नजर है। और ये तीन राज्य हैं जहां सातों चरणों में चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। बीजेपी को अगर 370 सीटों का टारगेट पूरा करना है और एनडीए को 400 पार जाना है तो भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों ही राज्यों में भगवा परचम लहराना ही पड़ेगा, तभी मोदी की जीत की हैट्रिक मुमकिन हो पाएगी। और तीन राज्यों में चुनाव का समीकरण क्या कहता है और यहां कब कब मतदान होगा, आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश 80, बिहार 40, पश्चिम बंगाल 42, कुल 162 लोकसभा सीटें। लोकसभा का चुनावी रण सात चरणों में होना है और इन सात चरणों में यूपी, बिहार और बंगाल, इन तीन राज्यों में चुनावी जंग चरम पर दिखेगी। सातों ही चरणों में इन तीन राज्यों में वोटिंग होगी। यूपी में पहले चरण में 8, दूसरे चरण में 8, तीसरे चरण में 10, चौथे चरण में 13, पांचवें चरण में 14, छठे चरण में 14, जबकि सातवें चरण में 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने इस बार यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का टारगेट रखा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के मिशन को पूरा होने से रोकने में लगा हुआ है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में जीत के दावे भी तेज हो गए हैं और एक दूसरे पर हमले भी। चुनाव आयोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, चुनाव का स्वागत करता हूं। और उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 के 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, नेतृत्वहीन है और जिस ढंग से उनके नेता उलझुल बयानबाजी करते हैं, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। हमारा एक बब्बर शेर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में है और दहाड़ के लड़ेगा, ललकार के लड़ेगा, पूरी ताकत के साथ, जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए जो उनकी सोच है, नौजवानों के लिए सोच है, महिलाओं के लिए सोच है, आम आदमी के लिए सोच है, किसान के लिए सोच है, आदिवासियों के लिए सोच है, गरीब लोगों के लिए सोच है, वो निश्चित तौर से राहुल जी कल वहाँ अपनी बात को पूरे देश के सामने रखेंगे। और जो अपना अनुभव है पूरे मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक का, उस अनुभव को साझा पूरे देश से करेंगे और लोगों को बताएंगे। इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूंगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है, महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है, हमारे किसान भाइयों को MSP मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी बिहार में भी बढ़ गई है, जहां इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए को चुनौती देने में लगा हुआ है। बिहार में पहले चरण में 4, दूसरे चरण में 5, तीसरे चरण में 5, चौथे चरण में 5, पांचवें चरण में 5, छठे चरण में 8 और सातवें चरण में 8 सीटों पर चुनाव होंगे। चुनावी तारीखें तय होने के बाद बीजेपी का बिहार में बड़ी जीत का दावा है, वह इंडिया गठबंधन दम दिखाने को तैयार दिख रहा है। 400 के पार तो रहेगा ही, पूरा देश 21वीं सदी के भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी को अपार बहुमत से मौका देगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा सियासी संग्राम बंगाल में छिड़ा है, यहाँ भी 7 चरण में वोट डाले जाएंगे। बीजेपी इस बार बंगाल की सीटें बढ़ाने के लिए जी जान से लगी हुई है। वही TMC पिछले चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रही है। और तो और, चुनावी तारीखें सामने आने के बाद TMC बंगाल में 7 चरण में चुनाव को लेकर सवाल उठा रही है। शायद ये मालूम नहीं है, बंगाल का आदमी अपना मन बना लिया है। 7 दफा क्यों 42 दफा में भी अगर चुनाव हो, और यहाँ पर 920 कंपनी क्यों, 9200 कंपनी भी अगर सेंट्रल फोर्स लाओ, बंगाल का आदमी एंटी बंगाली बीजेपी को रिजेक्ट कर रहा है, जिस तरीके से पिछले वाला चुनाव में भी किया है, और यहाँ पर हर एक जगह में तृणमूल को ये लोग इलेक्ट करेंगे। चुनाव आयोग ने तीन राज्यों में 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है, विरोधी दल इस पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में मुद्दों के साथ तारीखों पर भी रण तय है। अब इस रण का नतीजा 4 जून को जनता के सामने होगा, तब पक्ष और विपक्ष के जीत के दावों का सच देश के सामने आएगा। आज तक ब्यूरो।
लेकिन देखिए, भले ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में मंथन जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला नहीं तय हो पा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के एकला चलो की वजह से इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लेकिन बंगाल में बीजेपी मिशन 35 का टारगेट लेकर चल रही है, वहीं बिहार में एनडीए और इंडिया दोनों में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। तारीखों के ऐलान के साथ ही आज लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया, लेकिन अभी भी यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल फॉर्मूला तय नहीं हो सका है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का रण रोचक हो गया है, जहां एक ओर बीजेपी ने वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अमेठी और कन्नौज जैसी सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी रायबरेली और अमेठी जैसी सीटों पर कंफ्यूज है। इसीलिए कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई है कि राहुल गांधी को अमेठी से उतारें या नहीं। अमेठी को वर्षों वर्ष इमोशन के आधार पर छला गया, लेकिन आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों में इतना काम विकास का कर सकती थी, तो फिर राहुल गांधी, जिनके पास माताजी केंद्र में सत्ता में थी, उनके मित्र अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे, सत्ता को कोई अभाव नहीं था उनके पास, लेकिन सेवा का ध्येय नहीं था, इसलिए अमेठी को वंचित रखा। रायबरेली, अमेठी और बनारस को छोड़ देंगे आप? बनारस भी तो निगाह होनी चाहिए कि पार्टी के लिए तो वही किला है। नहीं नहीं, बनारस भी ढाएंगे, किला इनका बनारस भी ढाएंगे, इनको बता देंगे बनारस की लड़ाई कैसी होगी। इस बार मोदी जी के सामने बनारस, इस बार पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश और देश में लड़ने जा रही है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे रायबरेली, अमेठी, बनारस, प्रयागराज, हर जगह कानपुर दबा के लड़ेगी कांग्रेस, और इस बार का परिणाम अभूतपूर्व परिणाम देंगे। वहीं आज समाजवादी पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने अपनी सीट को लेकर रुख साफ नहीं किया है। अखिलेश ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से रण में उतार दिया है। उधर बिहार में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। बिहार में भी इंडिया और एनडीए दोनों में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। अब बिहार में कहां पेच फंसा है यह समझ लीजिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर जेडीयू अपनी जीती 16 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। चुनौती जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को एडजस्ट करने की भी है। एलजेपी के दो धड़ों में बंटने से भी मुश्किल हो रही है। चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीटें और पशुपति पारस की एलजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने की खबरें सामने आ रही है। उहापोह के बीच पशुपति पारस ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो बिहार में भी पेच फंसा हुआ है। बिहार में आरजेडी 28, कांग्रेस 9, सीपीआई एमएल 2 और सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। भले ही अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह फॉर्मूला करीब करीब तय बताया जा रहा है।